नमस्ते फेसबुक और यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अपार हर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है कि बीसीसीआई सचिव जय शाह ने क्लियर कर दिया है कि भारत पाकिस्तान नहीं जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। हाँ, अभी रिपोर्ट की अगर आप माने तो भारत दुबई या श्रीलंका में चैंपियंस ट्रॉफी को करवाने का आईसीसी से रिक्वेस्ट किया है। या तो पूरे के पूरे मैच दुबई या श्रीलंका में करवाइए, या फिर हाइब्रिड मॉडल जो भारत का मुकाबला होगा वो दुबई में खेले जाएंगे। लेकिन सिर्फ भारत के मुकाबला अगर आप दुबई में रखते हैं तो जितने भी टीमें होंगी चैंपियंस ट्रॉफी में, उन सारी टीमों को ट्रेवल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। भारत से जब खेलना होगा तो दुबई आना पड़ेगा, पाकिस्तान से जब खेलना होगा तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा, इंग्लैंड से जब खेलना होगा तो पाकिस्तान आना पड़ेगा। मतलब उसका ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा और कोई भी देश के खिलाड़ी ये नहीं चाहेंगे कि वो इतना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में ज़्यादा ट्रेवलिंग करे। हाँ, इस देश से उस देश, उस देश से उस देश। मैंने तो ये बात पहले भी बता चुके हैं, पहले भी हम वीडियो डाले थे कि शायद इंडिया 99% चांस है कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। लेकिन बहुत सारे जानकार लोग कह रहे थे कि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, ये कोई एशिया कप नहीं है, जो आप नहीं जाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। अरे भाई, आईसीसी का टूर्नामेंट हो या बीसीसीआई का, बीसीसीआई जो चाहेगी वही होगा। हाँ, और एक तो पहले सिर्फ जैसा आपके अगेंस्ट थे कि आप नहीं जाएंगे खेलने, अब भारत के जो कोच बने हैं गौतम गंभीर, वो ऐसे ही पाकिस्तान को देखना नहीं चाहते हैं। गौतम गंभीर की अगर आप बात कीजिएगा तो देश के प्रति वो इतने सेंसेबल और इतने उनका अलग विचार रहता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाते हैं, अजय जडेजा साहब जो भारतीय पूर्व क्रिकेटर है, उनको 5 साल के लिए 2000 के ईस्वी में बैन किया गया था मैच फिक्सिंग को लेकर के। अब वो कहाँ तक सही था कहाँ तक गलत था इसका तो पता नहीं चल पाया कि वो रियल में मैच फिक्सिंग किए थे या नहीं किए थे। लेकिन गौतम गंभीर साहब जब आईपीएल में दिल्ली डेयर डेविल्स के कैप्टन थे, उस समय अजय जडेजा को कोच नियुक्त किया गया था दिल्ली डेयर डेविल्स के लिए। तो गौतम गंभीर साहब का कहना था कि जब तक आप अजय जडेजा को कोचिंग पद से नहीं इस्तीफा दिलवाइएगा, हम कैप्टेंसी नहीं करेंगे, हम टीम का कप्तान नहीं बनेंगे। और 3 दिन तक लगातार उन्होंने ग्राउंड पर कदम तक नहीं रखा था, और जब तक वो अजय जडेजा साहब इस्तीफा नहीं दे दिए तब तक वो ग्राउंड पर कदम नहीं रखे। इस्तीफा दिए तब जाकर के ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने गए, और तब वो दिल्ली डेयर डेविल्स की कप्तानी किए थे गौतम गंभीर साहब। तो वो तो कभी नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान से मैच भी हो, चाहे वो आईसीसी हो, चाहे वो कोई भी मुकाबला हो, क्योंकि जो बॉर्डर पर हमारे जवानों के साथ आतंकवादी हमला जो होता है, जिसका आप लोग सपोर्ट करते हैं, उसके देश के साथ हम कभी भी मुकाबला नहीं खेल सकते हैं, ये गौतम गंभीर साहब का कहना है। और अब भारतीय टीम का वो कोच बन गए हैं, तो अब तो और ही नहीं होगा कि आप जाएंगे, और तो अब तो अब किसी कीमत पर वो पाकिस्तान नहीं जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है इस बात से। वहाँ के जो मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के जो चेयरमैन हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भारत को डर लग रहा है पाकिस्तान में आने में, कि भारत कहीं पाकिस्तान से हार ना जाए। अरे यार, पाकिस्तान को कहाँ नहीं हराया है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं हराया है, कि श्रीलंका में नहीं हराया है, कि दुबई में नहीं हराया, कब कब कहाँ कहाँ नहीं तुमको हराया है, कि सारी टीमें आने के लिए तैयार है लेकिन भारत को अलग नखरे है। नखरा तो होगा ही ना, भारत है ना, इंडिया है, नहीं जाएंगे खेलने, जो करना है कर लो। उनका कहना है कि भारत नहीं आएगी तो हम श्रीलंका को बुला लेंगे, श्रीलंका हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं की हुई है, लेकिन हम श्रीलंका को बुला लेंगे भारत के जगह पर खेलने के लिए। अब तुम किसी को बुला लो ना, नेपाल को बुला लो, आयरलैंड को बुला लो, नीदरलैंड को बुला लो, उससे क्या हो जाएगा, उससे हमको अलुआ फर्क नहीं पड़ता है, किसी को बुला लो तुम। भारत जब टूर्नामेंट में भाग नहीं लेगा तो तुम्हारा मतलब ही नहीं रह जाएगा कोई टूर्नामेंट का, चैंपियंस ट्रॉफी है कि वर्ल्ड कप है कि क्या है। वो होता है ना कि अघोरिया डरावे थूक से फेंक देंगे, थूक फेंक देंगे, डर जाओ, वो सब नहीं होने वाला है। तुम किसको बुलाना है नहीं बुलाना है इसका फैसला आईसीसी करेगी, तुम कौन होते हो बुलाने वाले पे। और आईसीसी बीसीसीआई के सामने में झुकती हुई नजर आ रही है, और बीसीसीआई रिक्वेस्ट भेजी है कि या तो श्रीलंका में या तो हाइब्रिड मॉडल पर टूर्नामेंट होना चाहिए, या फिर दुबई में पूरे के पूरे टूर्नामेंट को ही शिफ्ट कर दिया जाए। और इस पर 90% मोहर लग चुकी है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। वहां के सारे दर्शक, फैंस, खिलाड़ी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं भारत के खिलाफ, लेकिन उससे कुछ होने जाने को नहीं है। मजा आया ना पाकिस्तान वालों, स्वाद आ गया ना, बहुत मजा ले रहे थे ये तो। यहाँ तक तो ये लोग तो स्टेडियम बनाना शुरू कर दिए थे, तैयारी शुरू कर दिए थे। हम पहले भी बोले थे कि हम बारात लेकर नहीं आने वाले हैं, आप कितना भी तैयारी कर लो, आप बारात सजा के रख लो, लड़की को तैयार करके रख दो, लेकिन हम दूल्हा को लेकर नहीं आने वाले हैं, मतलब भारतीय टीम नहीं जाने वाली है। और वही हुआ, मेरा बात सच निकला, भारत नहीं जाएगी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और जाना भी नहीं चाहिए। हाँ, जाना भी नहीं चाहिए, इतने गंदे सोच के वहाँ के दर्शक होते हैं और वहाँ के इंसान होते हैं, वहाँ पर मैच खेलने जाएगा भाई, क्यों? आप वहाँ के 100 आदमी से पूछिएगा ना, तो भारत के प्लेयर यहाँ खेलने आ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? हाँ हाँ, आने दीजिए, अभी तो आप बुला ही रहे हैं,
क्या पता कब बम मार दीजिएगा आप, कौन गाई कोई गारंटी है आपके? तो प्रधानमंत्री आपके देश में सेफ नहीं है, आप हमारे प्लेयर को सेफ्टी देने का बात कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता है। और नहीं जा करके बहुत अच्छा काम कर रही है। और एक बात आप लोग मान के चलिए, मोदी जी का सरकार जब तक है भारत में, भारत पाकिस्तान के धरती पर लात भी नहीं रखने वाली है, चाहे वो आईसीसी रहे, आईसीसी खत्म हो, कोई अध्यक्ष रहे, कोई सचिव रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। बहुत खुश हो रहे थे, आईसीसी टूर्नामेंट है, आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा, नहीं जाएंगे, जो करना है कर लो, अब तुमको जाना पड़ेगा दुबई। अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्या दुबई खेलने जाती है चैंपियंस ट्रॉफी की बाइकआउट करती है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पहले आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।